अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये एक एलसीडी टीवी है जिसे हमने ओपन किया हुआ है और इसके तमाम पार्ट्स को, कार्ड को, पावर सप्लाई, लैंप कार्ड को हमने ओपन ही आपस में कनेक्ट किया है। अब हम यहाँ पे इसे 220 वोल्टेजेस दे के आपको इसे ऑन करके दिखाएंगे। ये हमारे पास डिस्प्ले के फॉल्ट में आई है, ब्राइटनेस के फॉल्ट में। हमने सर्विस मेन्यू से इसकी ब्राइटनेस को 100 पे किया हुआ है और इसके लैंप्स रॉड को भी हमने चेंज किया है, लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ रही। डिस्प्ले पे हमें बिल्कुल धुंधली सी पिक्चर दिखाई देती है। हम यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। इस वक्त हमारा एलसीडी टीवी स्टैंड बाई मोड पे है। एलईडी लाइट के कनेक्शंस को हमने कनेक्टर से चेंज किया हुआ था ब्लू लाइट पे। इस वक्त हमारा एलसीडी टीवी स्टैंड बाई मोड पे है और रेड लाइट पे हमारा एलसीडी टीवी ऑन हो जाएगा। हमने इन कनेक्शंस को दोबारा से एडजस्ट नहीं किया। हम यहाँ पे इसे ऑन करके आपको इसकी डिस्प्ले दिखाते हैं। हमने रिमोट से अपने एलसीडी टीवी को ऑन किया है और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसकी ब्राइटनेस जो है लो है। हालांकि हमने सर्विस मेन्यू से इसकी ब्राइटनेस को 100 पे किया हुआ है और इसके लैंप्स रॉड को भी हमने चेंज किया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें डिस्प्ले बिल्कुल लाइट नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे लैंप कार्ड के रॉड जो कि हमने इसमें चेंज किए हैं बिल्कुल ओके कंडीशन में, लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ रही, लाइट नहीं बढ़ रही। हम यहाँ पे आपको इसके वोल्टेजेस चेक करवाते हैं। इस वक्त हमारा एलसीडी टीवी स्टैंड बाई मोड पे है और यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि स्टैंड बाई मोड पे हमारे एलसीडी टीवी के वोल्टेजेस जो हैं 13 वोल्ट यानी कि बिल्कुल ठीक वोल्टेजेस हैं। जैसे ही हम अपने एलसीडी टीवी को ऑन करेंगे, स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करेंगे, वैसे ही हमारी इस पावर सप्लाई के वोल्टेजेस डाउन हो जाएंगे। हम रिमोट से एलसीडी टीवी को ऑन करते हैं। देखें, जैसे ही हमारा एलसीडी टीवी ऑन हुआ है, हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस ड्रॉप हो गए हैं और यहाँ पे वोल्टेजेस आप देख सकते हैं 7.9, यानी कि जैसे ही लैंप कार्ड स्टार्ट हुआ है पावर सप्लाई के वोल्टेजेस ड्रॉप हो गए हैं। ड्रॉप होने की वजह से लैंप पावर सप्लाई के वोल्टेजेस ड्रॉप होने की वजह से हमारे लैंप कार्ड को वोल्टेजेस पूरे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारा लैंप कार्ड जो है अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, रॉड अपने परफॉर्मेंस के मुताबिक वर्किंग नहीं कर रहे, इसलिए हमारे एलसीडी टीवी की ब्राइटनेस कम है, रॉड की लाइट्स जो है, रोशनी जो है कम है। इस कंडीशन में हमारा एलसीडी टीवी ऑन तो हो रहा है लेकिन इसकी ब्राइटनेस लाइट पूरी नहीं है और ना ही इसके ऑडियो आईसी को पूरे वोल्टेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि इसका ऑडियो एम्पलीफायर 12 वोल्ट का आईसी है, इसलिए इसके ऑडियो आईसी पे भी यहाँ पे 7 वोल्टेजेस जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियो आईसी भी वर्किंग नहीं कर रहा। हम यहाँ पे आपको आईसी की वोल्टेजेस भी चेक करवाते हैं। आईसी की 8 नंबर पिन पे आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि 7 वोल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये ऑडियो आईसी भी वर्किंग नहीं कर रहा और ना ही हमारे एलसीडी टीवी का लैंप कार्ड प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अब हम यहाँ पे इस पावर सप्लाई को चेंज करेंगे। यहाँ से पावर सप्लाई के वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं, इसकी जगह पे हम दूसरी पावर सप्लाई को एडजस्ट करेंगे। हमने एलसीडी के कार्ड की पावर वाली वायर्स को पावर सप्लाई से रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पे दूसरी पावर सप्लाई एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाएंगे। हमारे पास ये एक 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का अडाप्टर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 4 एम्पीयर। इस पावर सप्लाई की जगह पे अब हम अपने एलसीडी टीवी में इस अडाप्टर को एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने अडाप्टर की नेगेटिव पॉजिटिव पे 12 वोल्ट का जैक लगाया है। इसे हम अपने कार्ड में कनेक्ट करेंगे और कार्ड के कनेक्टर से ही हमारे लैंप कार्ड को वोल्टेजेस जाएंगे। हम अपने अडाप्टर को 220 वोल्टेजेस देते हैं और अपने एलसीडी टीवी को ऑन करके देखते हैं। हमारा एलसीडी टीवी इस वक्त स्टैंड बाई मोड पे है। हम इसे रिमोट से ऑन करते हैं। एलईडी के कनेक्शंस चेंज होने की वजह से ब्लू लाइट में हमारा एलसीडी टीवी स्टैंड बाई मोड पे और रेड लाइट में हमारा एलसीडी टीवी ऑन कंडीशन में है। इस वक्त हमारा एलसीडी टीवी ऑन है और ऑन होने पे आप यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ से बिल्कुल डिस्प्ले मध्यम नज़र आ रही थी, मध्यम दिखाई दे रही थी, जबकि अब हमारे पैनल पर डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, यानी कि इसके लैंप कार्ड बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। वोल्टेजेस पूरे होने की वजह से हमारे रॉड जो अच्छे से ब्राइट हो रहे हैं और इस वक्त हमारे एलसीडी टीवी की डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस बिल्कुल ठीक है हमारे एलसीडी टीवी की।
हमने यहाँ पे इसके लैंप राड्स को भी चेंज किया था, लेकिन फिर भी इसकी डिस्प्ले जो है बिल्कुल मध्यम थी, क्योंकि फॉल्ट इसमें पावर सप्लाई का था। लेकिन हमने उस वक्त वोल्टेजेस चेक नहीं किए, और इसके लैंप्स को राड्स को भी हमने चेंज किया, लेकिन वोल्टेजेस चेक करने पे हमें पता चला कि इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट है। और यहाँ पे ऑडियो आईसी पे भी आप देख सकते हैं 11.3 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं, यानी कि अब हमारे एलसीडी टीवी में वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। दोस्तों मज़ीद LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।